राइटली सेड, आइदर यू हैव इट और यू डोंट. अगर किसी बंदे में टैलेंट नहीं है, अपने आप को कैसे डेवलप करें? देखिए, हमारे अंदर हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है. कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसमें टैलेंट नहीं है. मेरा क्वेश्चन सर वही है जो आपने बात कर रहे हैं एक्चुअली, कि राइट टैलेंट है. सपोज समवन आर गुड एट एचआर एंड समवन आर गुड एट मैनेजमेंट, वी असाइन रिलेटिवली सेम वर्क टू देम. सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट टैलेंट इन द पर्टिकुलर लाइक मैनेजमेंट? अगर आपने रोंग फिटमेंट किया है किसी टैलेंट को, वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएगा या परफॉर्म नहीं कर पाएगी. तो जब आपके परफॉर्मेंस लेवल नीचे है और अगर आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस आइडेंटिफिकेशन और मैर परफॉर्मेंस, अगर आपके टूल्स आपने ठीक से डिफाइन किए हैं, तो आपको देर नहीं लगेगी ये पहचानने में कि यहाँ परफॉर्मेंस ठीक नहीं है. और उसका पहला एक सीधा सा जवाब है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कोई गलत फिटमेंट तो नहीं कर दिया. ज़्यादातर 70% केसेस में रोंग फिटमेंट इज द रीजन फॉर लोअर परफॉर्मेंस. हमने सिंपली ले लिया कि MBA है, जर्नलिस्ट है, वो बड़ा IIM अहमदाबाद से निकल के आया है भाई, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है. तो सच में, लेकिन वहां भी उसके टैलेंट अलग अलग हैं. एक ही क्लास से निकले हुए, एक सब्जेक्ट से आप पास किए हुए, सब अव्वल दर्जे से पास हुए, लेकिन फिर भी आपका टैलेंट अलग है. उसको पहचानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा. उसी तरह का जॉब, उसी तरह की इंडस्ट्री, उसी तरह की चीज़ अगर जब तक नहीं देंगे तो वो फ्लावर ब्लूम नहीं करेगा पूरी तरह से. गुड इवनिंग सर. जैसे आपने स्टार्ट किया कि वर्किंग कैपिटल नहीं था आपके पास, तो वहाँ से आप लेबर काम किया, ठीक है, वहाँ से लेबर करते करते इतना आगे तक कैसे आ गए? ऐसा क्या टैलेंट निकला उसमें? वो क्या टैलेंट था? आप मेरा टैलेंट जानना चाहते हैं? नहीं, वो टैलेंट हमको बताएंगे तो हम तो कुछ करेंगे. अच्छा, चलिए एक वादा करिए कि जब आप अपनी कंपनी शुरू करेंगे तो मुझे नौकरी देंगे. मैं भी एक दुकानदार ही हूँ, गांधी रोड पे मेरी दुकान ही है, तो वही पोजीशन पे मैं हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ. अच्छा. तो सब तो है, अभी वो टैलेंट तो निकल रहा है बाहर, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रही है. तो वो टैलेंट थोड़ा दिखाई. मुझे नहीं पता कि क्या टैलेंट था क्या नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने कभी भी ना को हाँ नहीं किया. समझ में आया कि नहीं? थोड़ा विस्तार से. जब वकील ने कहा कि ये काम आप ऐसा नहीं कर सकते, तो मैंने कहा भाई ये फलां आदमी कैसे करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? नोट टेकिंग नो फॉर एन आंसर एंड ट्राई एंड फाइंड सोल्यूशन मीन्स यू ऑलवेज, आई वॉज ऑलवेज असर्टिव. शॉर्ट में बता देता हूँ कि हाउ टू मैनेज द टैलेंट. मैंने एक लिखा कि बिजनेस डिसीजन और टैलेंट हायरिंग डिसीजन शुड गेट सिमिलर सेम इम्पोर्टेंस एज ए बिजनेस डिसीजन इज. ये इसको कम इम्पोर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए. ओनली द पर्सन सेटिंग द टेबल शुड बी डूइंग टैलेंट मैनेजमेंट. मैं एक उदाहरण के रूप से आपको बताता हूँ कि पिछले दिनों हमारी एक कंपनी में हमने एक तय किया कि हमको जो आज के दिन जो बाउंड्रीज हैं, वी हैव टू गेट टू द नेक्स्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फ्रॉम वेयर वी आर. नेक्स्ट ऑर्बिट को तोड़ने के लिए हमने आइडेंटिफाई करके ढूंढ ढांढ के कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट 3-4 लोगों को ढूंढा जो हमको गाइड कर सकते हैं, हमारे को हाथ पकड़ के आगे तक ले जा सकते हैं. तो मैंने अपने CEO को कहा कि भैया ये लोग मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, इनको आप लीजिए अपनी कंपनी में और हर लेवल पे हम डिस्कशन करेंगे. जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं कि हम जो कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इससे आगे तो हो ही नहीं सकता, ये बेंचमार्क है वर्ल्ड ओवर इस इंडस्ट्री में, इस चीज़ का ये बेंचमार्क है, उससे हम आगे की सोच नहीं सकते. हम कहते हैं यार ये तो बेस्ट बेंचमार्क है, उसको हम
पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहां पहुंच गए तब हम वहां रुक जाते, उससे आगे बढ़ने की सोचते नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमको नया ऑर्बिट ढूंढना है, उसके लिए क्या करना। तो सीईओ साहब ने क्या किया कि उनसे बातचीत की, उनको बताया अपने कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, और फिर उनको कह दिया कि अच्छा मेरी जो एचआर मैनेजर है वो अब आके इसे आपसे डील करेगी, वहीं पे किल कर दिया सब। तो मैंने कहा भाई नहीं, अगर आपको ये नए बेंचमार्क क्रिएट करने हैं, नए ऑर्बिट में जाना है, तो आपको यू आर दिस पर्सन हु इज सेटिंग द टेबल, आपको करना पड़ेगा। जो टेबल पे बैठने वाला एक आदमी है, एचआर मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर या और दूसरा आदमी, वो अगर उसको करेगा नहीं कर पाएगा। तो टैलेंट मैनेजमेंट के लिए भी हमने कहा कि जो आदमी टेबल पे सेटल करने वाला है, यानी नंबर वन मैन, टॉप मैन, दे ओनली हैव टू टेक दिस सीरियसली टू द टैलेंट मैनेजमेंट। देन यू मस्ट नो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। टैलेंट मैनेजमेंट से पहले भी आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का टैलेंट आपको चाहिए, वो आपको ज़रा बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसीज और पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ये जो दो नाम है ना सब, ये भी टैलेंट के दूसरा तरह का क्वाइन का दूसरा रूप है। इसको कॉम्पिटेंसीज एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो इंसान के होते हैं वो भी टैलेंट को दूसरा नाम मैं समझता हूँ हैं। और टैलेंट की जो पाइपलाइन किसी भी कंपनी में क्रिएट करेंगे, दैट इज़ एज गुड एज द वीकेस्ट लिंक, ये समझ के हमको टैलेंट मैपिंग करनी पड़ेगी, उसके आगे चलना पड़ेगा। टैलेंट मैनेजमेंट डू नॉट फॉलो अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये हमने पहले आपको, मैंने भी आपको बात करते हुए भी बताया कि स्पेंड योर मैक्सिमम टाइम विद योर बेस्ट पर्सन रादर देन द रिमूविंग द वीकनेस ऑफ द पर्सन। पोटेंशियल, परफॉर्मेंस एंड रेडीनेस, दीज आर ऑल्सो डिफरेंट थिंग्स, इसको समझ के हमको टैलेंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एंड ऑफकोर्स पुट द राइट पीपल इन टू द राइट प्लेस। सो ये कुछ बातें हमने टैलेंट मैनेजमेंट की और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com। या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं, बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।